मेरे व्लॉग्स के नाम से जो है ये चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जो आए यहाँ से और खरीद के लेके जाए। हम एक बंदे को एक बैग देते हैं जिसके अंदर 2 किलो का तकरीबन दूध होता है, एक खरबूजा होता है, 6 थैलिया होते हैं। ठीक है, ये थैलियाँ उनको 20 रुपये में देते हैं 2 किलो। ठीक है, 10 रुपये किलो के हिसाब से। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देता है। इसी अच्छी बात से आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सबके, कैसे गुजर रहे हैं सबके रोज़े। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ जेल रोड पे लगाए गए ऐसे स्टॉल पे, जहाँ हमारे भाई इंसानियत का सबूत देते हुए रोज़े की हालत में किस तरह नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, नॉर्मल डेज़ में फ्रूट खाना एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, और रमज़ान में तो फ्रूट्स की कीमत आसमानों पर चली जाती है। ऐसे में हर कोई फ्रूट्स नहीं खा पाता। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ऐसे स्टॉल पर जहाँ आपको 10 रुपये किलो फ्रूट्स मिलेंगे। जी हाँ, ये रमज़ान की सबसे बड़ी ऑफ़र है कि ऐसे स्टॉल पर आपको 10 रुपये किलो फ्रूट्स मिल रहे हैं, और ये इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तानी अर्तुगरुल गाज़ी यानी मुस्तफ़ा भाई ने। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि किस क्वालिटी के फ्रूट्स मिल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का ये पैकेट है, और बात करेंगे मुस्तफ़ा भाई से। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मेन पुल के नीचे है, देखिए पुल है, उसके नीचे ये स्टॉल लगा हुआ है। बहुत रश है माशाल्लाह से, बहुत रश है, चैनल वाले भी आए हुए हैं और इतनी लंबी लाइन। मुस्तफ़ा भाई, वैसे तो हमारी आवाम आपको जानती है बहुत अच्छे तरीके से, मुस्तफ़ा भाई उर्फ पाकिस्तानी अर्तुगरुल, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से स्टॉल तो ख़त्म हो चुका है, मैं लेट हो गई हूँ शायद, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्योंकि रमज़ान में तो महंगाई हो जाती है, आप यहाँ इतना कम 10 रुपये किलो कैसे सेल कर रहे हैं फ्रूट्स? देखिए, मकसद इसके अंदर यही है कि जो लोग फ्रूट नहीं खरीद के अपने घर में लेके जा सकते, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जो आए यहाँ से और खरीद के लेके जाए। हम एक बंदे को एक बैग देते हैं जिसके अंदर 2 किलो का तकरीबन फ्रूट होता है, एक खरबूजा होता है, 6 थैलिया होते हैं। ठीक है, ये थैलियाँ उनको 20 रुपये में देते हैं 2 किलो। ठीक है, 10 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ पूरा कराची लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ियाँ भर भर के देखे जाते हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो दोस्त वगैरह हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है हमारी, उससे हम अलग फ्रूट खरीद के लेके आते हैं। अच्छा, अलहमदिल्ला हमें 4th रोज़ा है, तकरीबन 400+ लोगों को हमने फ्रूट दी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत बची हैं जिसे वो वाइंड अप कर रहे हैं। और मैं ये पूछती हूँ आपके पास ये आइडिया आया कैसे? बस देखें, ये चीज़ तो हम हर रमज़ान में ही देखते हैं कि महंगाई, हर चीज़ की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। जी बिल्कुल। तो मेरे जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हम सोशल वर्क के हवाले से क्या कर सकें। बस जी आइडिया मुझे क्लिक हुआ कि यार फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत महंगी हो जाती है, आम दिनों के अंदर एक गरीब आदमी जो है वो फ्रूट नहीं खरीद नहीं खा सकता, तो रमज़ान के अंदर तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल, हमने जो है वो सोचा कि पूरा एक तरफ फ्रूट का जो है वो स्टॉल लगाया जाए, एक डिस्काउंट बाज़ार लगाया जाए। हम लोग सदा कह रहा था बांट रहे हमें डिस्काउंट बाजार लगाया जाए, और वहाँ पे लोग सब्सिडाइज प्राइस के अंदर जो है। हाँ, ये जवाब है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई ज़कात तो नहीं है, ये कोई ज़कात नहीं है। अच्छा, जो लोग आपको ला के देते हैं फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप उनको भी क्लियर करते हैं कि ये ज़कात खैरात नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, हम कोई अगर फ्रूट देने आता है तो पैसे देने आता है, हम सबसे पूछ लेते हैं कि भाई ये ज़कात तो नहीं है, ताकि ये सब लोग खरीद सके, सिर्फ मुस्तहिक नहीं तमाम लोग जो है वो ही खरीद सके। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने स्टॉल लगाया है ये मेन जेल रोड पर, इसके अलावा कोई आपने स्टॉल लगाया? देखें, स्टॉल लगाना बड़ी बात नहीं होती, इसकी मैनेजमेंट बड़ी बात होती है। जब क्राउड आता है तो उसको हैंडल करना एक बड़ी बात होती है। जी जी, फिलहाल हम जो है वो एक ही जगह के ऊपर है, अगर कि इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी बन सकी, हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन आया या फिर फ्रूट आए, तो हम सोचेंगे कि हम किसी और जगह के ऊपर भी लगा सकें। वैसे तो ये भी एक गुजर का है, बड़ा बस स्टॉप है ये, हर कम आमदनी वाला बंदा बस के अंदर सफ़र करता है, तो ये एक बड़ा स्टॉप है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से बैठ के बसों में अपने घर जा रहे होते हैं, तो ये एक मतलब अच्छा पॉइंट लगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। टाइमिंग वगैरह आप थोड़ा सा बता देंगे? 5 बजे के करीब 5 बजे आज थोड़ा जल्दी आपने स्टार्ट किया, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज काफ़ी देर से वेट कर रही थी और हमारी प्रिपरेशन हो गई थी, तो हमने 10-15 मिनट पहले स्टार्ट किया। अच्छा, आपकी टीम और क्या सोची है सोशल वर्क करने के, इसके अलावा कोई प्लान्स है आपके? जी बिल्कुल, गर्मी का मौसम है, आपको बताएंगे पानी की जो है वो बड़ी किल्लत हो जाती है, पानी नहीं होता। जी जी,
हम जो है वो कुछ पानी के कुएं भी जो है वो अभी कम्पटीशन फेज में कराएंगे। इंशाल्लाह पहले हफ्ते के अंदर जो है हम कुछ इलाकों के अंदर पानी के कुएं जो चल रहे हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत बहुत बड़ी नेकी है, और वैसे भी आपको पता है रमजान में एक नेकी हजार नेकियों के बराबर है। बिल्कुल हमारी दुआ है कि आपके काम में अल्लाह ताला बरकत दे और हमें भी तौफीक दे इस काम में करने की। बिल्कुल, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई के साथ आएँ और हाथ बटाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, यहाँ कंट्रीब्यूट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है वो इस तरह के और भी काम हम लोग कर सकें। थैंक यू भाई, बहुत लेकिन दो वो हैं खरबूजे, क्योंकि हमारा फ्रूट खत्म हो चुका है, ये कोई लेके आया था देने के लिए आया था हमको, ठीक है, तीन केले और दो खरबूजे। वैसे क्या होता है? वैसे हमारी जो थैली होती है उसके अंदर एक खरबूजा होता है और इसके अलावा जो है छह केले होते हैं और तीन सेब। अगर मार्केट के हवाले से बात की जाए तो कितने का प्राइस का होगा वो? तकरीबन 300 के करीब की थैली होगी, जो कि हम 20 रुपए में दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से रश भी कितना है इस वक्त भी, बहुत सारे चैनल वगैरह भी आए हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इस स्टॉल की ये लगी कि ये फ्री में फ्रूट्स नहीं दे रहे, बल्कि इन्होंने एक कीमत रखी है ताकि किसी को भी शर्मिंदगी ना हो ख़रीदने में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप डोनेट करना चाहते हैं फ्रूट्स वगैरह या पैसे देना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इनके बैनर पर दिख रहा होगा, आप नोट कर लें और इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ आके डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। लोगों के लिए इन्होंने 10 रुपये में स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत अच्छा इकदाम है ये, और ये जो यूथ जनरेशन कर रही है ये इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम कर किया है। मेरे ख्याल में ये हर साल होना चाहिए और इसके अलावा ये हर जो है वो शहर में होना चाहिए, ताकि गरीब सबका है और जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अभी जिस तरह आगे आगे जो है वो रमज़ान शुरू आगे आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरह फ्रूट्स और दीगर अशिया में जो है वो कीमतें ज़्यादा होती जाएंगी, लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो ये काम किया है इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत ही आए और इनके साथ जो है वो कोऑपरेट करें। जी जी, इसके अलावा जो है वो मैं यही कहूँगी कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनके साथ कंट्रीब्यूट करें, वो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर भी करें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है वो अगर नहीं आ सकते तो इनके बैंक अकाउंट वगैरह में जिस तरह भी कोशिश कर सकते करें, क्योंकि हर कोई जो है वो जाहिर सी बात है फ्रूट्स लाकर नहीं दे सकते ना। हाँ, आप जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते, तो इस तरह आप जो है वो यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करें, या अगर एग्जाम है हमें भी इनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, या फिर अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको इनकी मदद करनी चाहिए आके, क्योंकि रश हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी नहीं कर सकते। जो जो लोग जो है वो फ्री हैं या फिर जो है वो जो इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो यहाँ आए और यहाँ पर आकर जो है वो इनकी हेल्प करें, इनके साथ मैनेजमेंट में इनका साथ। आपको कैसा लगा? आपने फ्रूट्स वगैरह देखे? वैसे तो मैं ख़त्म हो चुके थे लेकिन कुछ फ्रूट्स मैंने देखे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। अच्छा, मैंने तो फेसबुक वगैरह में देखा था, सोशल मीडिया उसके हिसाब से जो इन्होंने दिया है, मतलब फ्रूट जो सेल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़राब। इस तरह के आपको लगता है कि और स्टॉल्स भी बनने चाहिए और लोग भी सामने आए? इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स बनने चाहिए, हर कम अज कम शहर में 5-6 स्टॉल्स तो ऐसे होने चाहिए जो मेन जगह पर, जैसे ये यहाँ पर अभी मेन जी, इसके अलावा और नुमाइश है या मतलब जो और वो वाली इलाके हैं जहाँ पर मेन इलाके हैं मेन इलाके वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ चाहती हूँ मैं इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।